लीजिए अरविंद केजरीवाल आपसे मिले और पूछे कि दो साल बीएचयू में क्या किया, डाटा दो, तो क्या क्या किया? बाद विश्वविद्यालय में तीन तीन छात्रों ने जो आत्मदाह का प्रयास किया उसके बावजूद उनके कानों पर जू नहीं रहती है। लोग कहते हैं उनको नेता बनना होता है तब इतना बड़ा स्टंट करते हैं लोग। तनख्वाह भी बड़ा है, महंगाई भी बढ़ गई है, थोड़ा फीस भी बढ़ना चाहिए बीएचयू का। तो लेकिन और भी सभी संगठन है जो छात्रों की तरफ ओरिएंटेड हमेशा रहते हैं और काम करते हैं, उनमें और आप में क्या अंतर है? ये प्रश्न तो उन संगठनों से भी आप पूछ सकते हैं। उपाध्यक्ष भी हैं, ये उपाध्यक्ष भी हैं, बहुत बढ़िया जब जवाब दीजिएगा। नेता को तो काम ही होता है किसी भी मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना, क्या ये तो होता रहता है। कल घोष कल विश्वविद्यालय में नहीं चल रहा है, घोष हर एक जगह पर चल रहा है। एम्बुलेंस वाले यदि घर पर आते हैं पेशेंट को ले जाने के लिए तो एम्बुलेंस के लोग भी 100-200 रुपया लेते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। सबको टिप चाहिए जी, सबको टिप चाहिए और टिप के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था जर्जर हुई पड़ी है। क्या भाई साहब कहीं कुछ बताइए, क्या आप बहुत मतलब साइड बैठे हुए हैं? नहीं ऐसे। एक दिन आप वीसी बनेंगे तो आपके भी प्रोटोकॉल में यही रहेगा? नहीं नहीं। क्या करेंगे आप, इनके जगह होते तो क्या करते? ये जो क्राइम रेट है विश्वविद्यालय का, लोगों का ना मेरे कितने वीडियोस में लड़के बोले हैं कि बिरला जैसे हॉस्टल को अपनी प्रोक्टोरियल बोर्ड संभाल नहीं सकती, इनके लिए अब बाहर के पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या फीस तो नहीं घटने वाली? मैं बीएचयू प्रशासन हूँ, मैं बोल रहा हूँ फीस तो नहीं घटने वाली। अब मतलब क्या करेंगे फिर बताइए? घटनी चाहिए बिल्कुल। विश्वविद्यालय के अंदर मामले, अरे भाई साहब कहाँ गए? खाली जाने दीजिए, अब सभी लोगों से बातें रहेंगे, सब लोग मेरे नज़र में एक है भैया, कोई लीड नहीं कर रहा, सब लोग लीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी और सबको जितने लोग हैं इतने लोगों से हम काफ़ी करेंगे। क्या है कि आज मशाल जुलूस निकलना है, आज मशाल जुलूस निकलेगा ना? हाँ हाँ, ये देखिए आगे पूरा लगवाए हैं तो मशाल जुलूस को ही कवर कीजिएगा। मशाल जुलूस दौड़ते दौड़ते मीडिया क्या कवर करेगी? इत्मीनान से खड़े होकर के कुछ बातें करना चाहते हैं। यहाँ CYSS धरने पर बैठी हुई है, CYSS के हैं आप लोग, सब लोग, सभी लोग हैं ना? कितना समय हुआ भैया पार्टी से जुड़े हुए? लगभग मैं पार्टी से 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी में। CYSS से जी, BHU, आप यहाँ BHU में लोग बैठे हुए हैं धरने पे, तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग BHU के छात्र हैं? सब BHU के छात्र ही हैं, सभी लोग हैं। किस फैकल्टी में पढ़ते हैं आप? 8 फैकल्टी मेरी। आप ही पहले बताइए भैया, क्या नाम है आपका? W यादव। डब्ल्यू यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो चंदौली के हैं। अच्छा, यहाँ पिछले हम लोग 14 तारीख से लगातार 24 घंटा हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, मसाल वसाल जुलूस निकालने के चक्कर में है, पूरा बढ़िया सब कुछ बन गया है। छठ, दिवाली, देव दीपावली, अभी कल ही हम लोग देव दीपावली करीब 2100 दीप जला के यहाँ पे हम लोग मनाए, जला के मनाए। हाँ, यहाँ पे 2100 दीप जलाया गया था कल। अरे कई लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जब पहले आयुर्वेद का धरना चल रहा था तो आप लोग कम समय बैठते थे, उन्हीं लोग के धरने पे सारा कुछ चल रहा था, फिर वो हटा है तो आप लोग यहाँ पे जमे हैं? फिर ऐसा कुछ नहीं था, हमारी संख्या ज्यादा रहती थी, हालांकि उन लोग बहुत पहले से बैठे थे इसलिए हम लोग उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हमारी संख्या तो शुरू से ही ज्यादा है। शुरू से ये CYSS के बारे में क्या कहना है, कैसी संगठन है? मुझे मतलब मैं कुछ दिन पहले ये नाम सुना, मतलब सही में CYSS जैसा कि आप लोग बैनर में भी देख सकते हैं, छात्र युवा संघर्ष समिति है। ये आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, जैसा कि आप जानते हैं VVP एग्जांपल में ले सकते हैं BHU की। अच्छा, तो हालांकि ये आप देख सकते हैं इस पार्ट मनाने का, इस संगठन का मुख्य मकसद यही था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो सभी छात्र जो हैं अपने मतलब जुड़े और उनके भविष्य के लिए कुछ काम किया जाए, छात्रों और ओरिएंटेशन को लेकर के ये बनाया गया है। तो लेकिन और भी सभी संगठन है जो छात्रों की तरफ ओरिएंटेड हमेशा रहते हैं और काम करते हैं, उनमें और आप में क्या अंतर है फिर? देखिए बेसिक अंतर कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो लोग भी मुद्दा की बात करते हैं, हम लोग भी मुद्दा की बात ही कर रहे हैं लेकिन अपना अपना मत है, उसमें भी कुछ ऐसे लोगों को उसका प्रमुख बना दिया जा रहा है जिनके व्यक्तिगत मत को ज़्यादा वो दिया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसे इसीलिए इस संगठन को बनाने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि भैया गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, आप गठबंधन कर लें सभी पार्टियों के साथ, जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन और यूनियन है, और काम को और भी तेज गति से किया जा सकता है। क्यों, कैसे किया? क्यों नहीं, हम लोग बात किए थे। ये प्रश्न तो उन संगठनों से भी आप पूछ सकते हैं। हमारा संगठन आज यहाँ 27 दिन से धरने पे बैठा है, आप इस संगठन में देख लीजिए, इस संगठन के कार्यकर्ता हैं, और भी संगठन बीएचयू में चल रहे हैं, उन संगठनों को अगर इतनी चिंता होती छात्रों के भविष्य के विषय में लेकर के जो फीस वृद्धि हुई है। अच्छा, तो वो भी इस संगठन में आकर के और सहभागिता देते। संगठन चल रहा है, एक तो हम CYSS
जो बनाए हैं ये तो हमारा पार्टी का संगठन है, लेकिन ये फीस वृद्धि तो सभी छात्रों के लिए हुई है ना, केवल सीवाईएसएस के लिए तो हुई नहीं है। तो मैं सभी छात्रों से यह अनुरोध निवेदन संगठनों से निवेदन करूंगा कि सब लोग आए, संगठन को मजबूती दे। पहले लोग बोला करते थे देखिए संगठन को मजबूती दे, बात सही है, और किस बात में मतभेद है ये भी बात सबको एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि एक ही मुद्दे के लिए दो लोग दो गुट धरने में बैठी हुई है, अलग अलग जगह बैठी हुई है और कॉन्स्टेंटली 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं हर एक लोगों को। हमारा 27वां दिन है आज, 27वां दिन है, उनका भी काफी दिन हो गया। उनका कितना दिन प्रश्न था भैया के संगठन सारे बच्चे एक हो जाएं, ये आपका बहुत वाजिब प्रश्न है। और हम लोग आप पिछले 16 तारीख का जब देखिएगा तो हम 5 संगठन अलायंस कर एक सेंट्रल ऑफिस में घेराव किए थे। अच्छा। और देखिए क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट्स का मैटर मामला है, कोई एक दो संगठनों का नहीं है। अच्छा। ये पर्टिकुलर संगठन का नहीं है, यहाँ सभी स्टूडेंटों के एक साथ आना ही होगा। अच्छा। तभी जाकर वीसी साहब अथवा बीएचयू प्रशासन सुनेंगे हमारी बातें को। हमने सभी 7-8 संगठन से बात किया, 5 संगठन हम लोग के साथ आए, 2 संगठन मना कर दिए, NSUI ABVP। तो देखिए जब ये छात्रों का मामला है तो सारे छात्र इकट्ठा होकर के, अलग अलग बैठने से कुछ नहीं है। अब बताइए DSW में बैठे हुए हैं, क्या मतलब है उसका? कोई भी घर का मुखिया एक हेड होता है, और BHU का मुखिया कौन है? BC साहब हैं। तो हम अपनी बात के अपने दलील को किसके सामने रखेंगे? BC साहब के सामने रखेंगे। तो BC आवास पर ना बैठ कर DSW आवास पर जाकर क्या मतलब है? तो पूरे छात्रों का मामला है तो छात्र को इकट्ठा होना पड़ेगा, और 2014 के जैसा एक पूरा आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी बात सुनेंगे आप। BC साहब अब लेकिन BHU प्रशासन का बोलना है कि कोई फीस नहीं बढ़ी है। भाई साहब आप बताइए, कोई फीस नहीं बढ़ी है, हल्का फुल्का नॉमिनल फीस बढ़ी है, इतने वेतन लागू हो गए हैं, वेतन लागू होने के साथ साथ सबको सरकारी नौकरी मिली, सरकारी वेतन तो लागू हुए हैं ना, सबका तनख्वाह भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ गई है, थोड़ा फीस भी बढ़ना चाहिए BHU का। जैसे कि मेरा नाम चेतन गुप्ता है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चल करके यहाँ आया हूँ, LLB का छात्र हूँ। इलाहाबाद में भी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से आंदोलन चला, किसके लिए चला? 400% फीस वृद्धि के खिलाफ चला, जो केंद्र सरकार ने जो कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण कर दिया गया है। छात्र युवा संघर्ष समिति जो आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन है, इसकी प्रमुख मांग यही है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है उसी उसको किसी भी प्रकार से रोका जाए। और आपने देखा होगा कि चाहे वो AU के VC हो, AU की VC तो अपने आप में जो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है VC का वही पूरा नहीं करती हैं। मतलब जो एक क्राइटेरिया होता है कि एक प्रोफेसर को मिनिमम 10 साल कम से कम पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, या 10 साल किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का VC होना चाहिए, तब जाकर के उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का VC बनाया जाएगा। उसका उनका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का VC बना दिया गया, BHU का VC बना दिया गया। तो CYSS की यही मांगे हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह BHU के अंदर जो फीस वृद्धि की गई है इसको वापस लिया जाए, और नियंत्रित तरीके से जो बाहर से पुलिस बुला करके बट के दम पर इन आंदोलनों को खत्म कर दिया जाता है वो ना किया जाए। और ये जो बच्चे बैठे हैं 27 दिन से, ये जाने वाले नहीं है, और अभी आज इलाहाबाद गोंडा अयोध्या और कहां-कहां से लड़के अभी और आने वाले हैं, हाँ। एक भाई साहब और हैं वरिष्ठ छात्र नेता। अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस वृद्धि हुई तो क्या कुछ वापस लिया गया? आप लोग के आंदोलन का कुछ पता चला? जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो VC हो चाहे वो प्रोक्टर हो, इतने निर्मयी हो गए हैं कि अब मान लीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3-3 छात्रों ने जो आत्मदाह का प्रयास किया, उसके बावजूद उनके कानों पर जू नहीं रहती है। लोग कहते हैं उनको नेता बनना होता है तब इतना बड़ा स्टंट करते हैं लोग। अच्छा ये बताइए कि देश की राजनीति का भविष्य क्या है? आज ये जो युवा है, मैं युवा हूँ, मैं जब खुद महसूस करता हूँ उसी को तो समाज में लेकर के जाऊंगा। अब किसी पैसे वाले को आप नेता बना दीजिए, क्या जानते हैं वो क्या है? कुछ नहीं जानते हैं। अब बात रही छात्र राजनीति की, आखिर राजनीति अगर राजनीति समझना है आपको तो राजनीति समझिए, हमारी तो फीस माफ कर दीजिए ना। हमारे ये बच्चे 27 दिन से क्यों बैठे हैं, इनकी फीस माफ जितनी पहले थी उतनी फीस कर दीजिए, फीस वृद्धि मत कीजिए, अपने अपने घर चले जाएंगे, सबको अपने पढ़ना है, एग्जाम देना कोई पागल थोड़ी नहीं है, कोई राजा महाराजा के बेटे थोड़ी नहीं है कि 27 दिन से हमें मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई हमें भी पढ़ना है, हमारे भी पेरेंट्स हैं, वो भी हमको देख रहे हैं कि बच्चे क्या हमारे पढ़ने जा रहे हैं कि नेतागिरी करने जा रहे हैं। हम तो बस जो फीस वृद्धि बढ़ी हुई है, ये जो किसान का बेटा, जो मजदूर का बेटा जो फीस नहीं दे सकता, उसके लिए आंदोलन चल रहा है, तब तक चलेगा जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाएगी। चलेगा भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम ऋतुराज सिंह है, मैं CYSS का अध्यक्ष हूँ। CYSS के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। टिकट विकेट चाहिए क्या आप में? आपको अगर पार्टी जो है ध्यान देगी तो जरूर चाहिए। कहाँ से लड़ेंगे फिर? बनारस से ही लड़ेंगे। बनारस से लड़ेंगे जी।
गुजरात में क्या हो रहा है, क्या इलेक्शन जीत रही है आपकी? नहीं, सेकंड रनअप बनेंगे हम लोग। आप लोगों को तो एनालिसिस मिलती होगी ना, डाटा मिलता है? बिल्कुल, सेकंड रनअप हम लोग बनेंगे। सेकंड रनअप मतलब धीरे धीरे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, सीवाईएसएस कब से एक्टिव है बीएचयू में? ये पिछले दो साल से एक्टिव है, और अभी जो है सबसे बड़ा जो आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो मुख्य जो हम लोग प्रमुख जो है आंदोलनकारी के रूप में जो है विश्वविद्यालय को थामे हुए हैं, चूंकि बहुत सारी पार्टियां जो है तमाम पार्टियां हैं, लेकिन जो है मुख्य आंदोलन का जो केंद्र रहा है वो सीवाईएसएस रहा है। अच्छा, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल आपसे मिले जी और पूछें कि दो साल बीएचयू में क्या किया, डाटा दो, तो क्या क्या किया? ये इससे बड़ा जो है आंदोलनकारी का डाटा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस समय जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है विश्वविद्यालय में, सभी लोग पीछे हट गए हैं तमाम सहभागिता की वजह से जो है, सभी टीचरों के, कभी कुलपति के, और कुलपति इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर उस चीज़ को आप 17 दिन वीसी आवास के सामने बैठ के जो है आप पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को 27 दिन से तो चुनौती दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी जो है सीवाईएसएस की उपलब्धि है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज सिंह है। लोग बोलते हैं आपके कार्यकर्ता बहुत पढ़े लिखे हैं, ऋतुराज जी आप कितना पढ़े लिखे हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में सभी पढ़े लिखे हुए हैं और सभी को उचित ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए और किसके साथ प्रयोग करना चाहिए, किसी के साथ बहकावे में ना आए, जो उचित है उसका जो है आंदोलन करें, अपनी मुद्दा को रखें, ये सबसे बड़ा प्राथमिकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? हमारे यहाँ, मैं यहाँ से एमए हूँ और मैं पीएचडी के लिए कार्यरत हूँ। पीएचडी कर रहे हैं तो यहाँ पे फीस तो नहीं घटने वाली? मैं बीएचयू प्रशासन हूँ, मैं बोल रहा हूँ फीस तो नहीं घटने वाली, अब मतलब क्या करेंगे फिर बताइए। देखिए, ऐसा है कि यहाँ अगर फीस नहीं कम होगा तो तमाम जो मुद्दा है उस पे जो है हमारी बात बन रही है, जैसे कि विश्वविद्यालय में अगर फीस वृद्धि हो गई है ठीक, तो आप जो है हॉस्पिटल में जो है हजारों करोड़ का जो यहाँ पे आता है, जो लोगों को बांटा जाता है, फंड आता है उस पे आप जो है विचार करिए। आप प्रोक्टोरियल बोर्ड पे इतना पैसा खर्च करते हैं, उस पे विचार कीजिए। बहुत सारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे तमाम चीज़ है, जो कुछ कंपनियां हैं, धांधली होती है तमाम चीज़ें, उस पे आप अगर विचार नहीं करेंगे तो फिर फीस वृद्धि पे आप बढ़ोतरी क्यों करेंगे? ऋतुराज जी, एक बात बताइए, अंदर लोगों की सैलरी बढ़ रही है, प्रोफेसर्स की भी इंक्रीमेंट हुई है, कर्मचारी हैं जो डी ग्रुप तक लेवल के लोग हैं उनकी भी सैलरी में इंक्रीमेशन हुआ है, बढ़ी है उनकी सैलरी, तो एक तरीके से बीएचयू की फीस अगर थोड़ी सी बढ़ती है तो इसमें क्या दिक्कत है? और नए छात्रों को तो इसे फर्क भी नहीं पड़ता कि बीएचयू की फीस बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी। नहीं, फीस बढ़नी चाहिए बिल्कुल, उस हिसाब से यहाँ वो जो व्यवस्था है वो भी तो दिखनी चाहिए। आप फीस बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़ाइए, महंगाई बढ़ रही है बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू में लगभग 150 से ज़्यादा कैमरा, सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा हुआ है, हर एक दिन रातों दिन लड़कियों का छेड़खानी घटना घट रही है। यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड क्यों नहीं ध्यान दे रही है? साइबर लाइब्रेरी है, वहाँ जितनी लाइब्रेरी है वहाँ 70% लाइब्रेरी खराब है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो भैया फीस बढ़ा रहे हो तो व्यवस्थाएं दो ना। आप जाकर देखिए, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी नाम की चीज़ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत डिपार्टमेंट आर्ट फैकल्टी के उठाकर देख लीजिए, इतना पुराना संस्कृत के क्षेत्र में महारत हासिल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, और जिस गरिमामय संस्कृत जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसमें लाइब्रेरी तक नहीं है। तो आप व्यवस्था भी दीजिए, फीस बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सभी अध्यापकों का फीस बढ़ रहा है, ठीक है, आपका बात एकदम ठीक है, लेकिन उस हिसाब से आप फैसिलिटी दीजिए बच्चों का। भोजन इतना निकृष्ट श्रेणी का भोजन है, तो भोजनों में भी चेंज कीजिए ना भैया। आप 50 रुपये ले रहे हैं, आप 50 रुपये एक डाइट का ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत बिल्कुल बेकार है। आप जेएनयू का खाना जाकर देखिए, पीयू का खाना जाकर देखिए, वहाँ देखिए 35 रुपये एक डाइट मिल रहा है। 35 रुपये में बढ़िया खाना मिल रहा होगा, बिल्कुल डाइट मिल रहा है भैया। और यहाँ पे क्वालिटी एक एक मतलब आईआईटी तक के मेस में बढ़िया खाना नहीं मिल रहा है, आपका क्या हाल है? देखिए, हमारा फीस वृद्धि पे मुख्य मुद्दा है, और दूसरा प्रशासनिक वाला। देखिए, सब कुछ है, सब कुछ जायज है। प्रशासनिक वाला क्या है? प्रशासनिक भी ये है कि कोई भी विश्वविद्यालय में पहली बात सुरक्षा दृष्टि देखता है चीफ प्रोक्टर, न कि बाहरी प्रशासनिक व्यवस्था। अच्छा। प्रशासनिक व्यवस्था कभी भी सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल ये यूनिवर्सिटी है तो हर चीज जो है यहाँ कमांड होता है चीफ प्रोक्टर ऑफिस। ये दीक्षांत समारोह वाला ये टिक लगा दिया, मतलब हो चुका है जी, ये मान लिया गया। कब रखा गया है ये? अभी जो है इसी महीने में जो है 25 दिसंबर के कुछ रखा गया है ना, 25 दिसंबर। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि यदि आप फीस बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फीस बढ़ना चाहिए, तो ये हजारों करोड़ का जो इस पे जो है हॉस्पिटल पे जा रहा है, सेंट्रल ऑफिस पे खर्च कर रहा है, क्यों हो रहा है? इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ कहाँ से व्यवस्था हो रही है, कहाँ से पैसा? यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, किसान लड़के पढ़ने आते हैं, उन लोग की कोई वृद्धि थोड़ी ना है, वो उन लोग की वृद्धि कुछ नहीं हो रही है। अच्छा। उन लोग की जो हो रही है, किसान अपने घर पे खेती करता है, जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा
इतना है, मतलब वही मैं काम करता, वही खिलाता, वही लड़के पढ़ाता है। अच्छा। तो उसमें वृद्धि उनकी क्या होगी? अगर हम आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, लड़का मेहनत करता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, हमको अच्छी सुविधा मिल जाएगी वहाँ पढ़ने के लिए, उन लोग की हमारे लोग की क्या हालत होगी? हम तो बहुत किसान, हम एक किसान के लड़के हैं, हमारे पास एक बीघा है, उसी में हमारे पिताजी बस वही काम करते हैं, किसान है आपके पिताजी, अब उसी में हम क्या करें सर, हम आप ही बताइए हम क्या करें उसमें। फीस बढ़ गई है, बात तो सही है। और यहाँ पे ब्लाइंड्स के लिए क्या आप लोगों ने मांगे रखी है, कुछ लिखी है क्या ब्लाइंड्स के लिए? लाइब्रेरी सुविधा हो, उनको फैसिलिटी थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए हॉस्टल में। मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा, ब्लाइंड्स को यहाँ पे ब्रेल लाइब्रेरी बनाई जाए, क्योंकि JNU और DU में ब्रेल लाइब्रेरी है और उनको लिखने के लिए इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना एग्जाम में लिखने के लिए, उनको राइटर चाहिए होते हैं, वो भी उपलब्ध कराया जाए। और इसकी सब्सिडी मिलती है JNU और DU में, BHU में ना लाइब्रेरी है न राइटर की सब्सिडी मिलती है, ये दोनों बहाल कराया जाए। और आप लोग का पांचवा मांग है, जिला प्रशासन का अंदर अगर सहभागिता नहीं होगा जिला प्रशासन का, तो क्राइम रेट नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जिस हिसाब से यहाँ गार्ड हैं हमारे यहाँ और हर जगह जो है निगरानी होती है, उस हिसाब से यहाँ और हर एक व्यवस्था है, यहाँ अपनी खुद की जो है टीम बनी हुई है, आप खुद यूनिवर्सिटी संभाल सकते हैं। और जब प्रशासनिक व्यवस्था को बुलाया जाए तब आए, वो बिना मतलब का इंटरफेयर क्यों करते हैं? अच्छा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पे, ये जो क्राइम रेट है विश्वविद्यालय का, लोगों का कहना है, मेरे कितने वीडियोस में लड़के बोले हैं कि बिरला जैसे हॉस्टल को अपनी प्रोक्टोरियल बोर्ड संभाल नहीं सकती, इनके लिए अब बाहर के पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, आप ये बताइए हमें, यहाँ पे जो भी धरना प्रदर्शन होता है, चाहे तमाम बिरला हॉस्टल पे होता है, क्या उचित अवस्था में या लोगों के जो है एक समूह के रूप में वहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड नहीं पहुँचता है, चीज़ों को संभालता है? ऐसा तो नहीं है कि जो हमेशा पुलिस आती है? लोग कहते हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड छात्रों पे हाथ नहीं छोड़ सकता, सख्ती से नहीं पेश आ सकता, तो उनको फिर कैसे सुधारेगा, कैसे नियंत्रण करेगा उस दंगे को, उस मार झगड़े को, या फिर उस सिचुएशन को? बताइए, पहले चीज़ों को समझिए, उनके आंदोलन को समझिए, क्या आंदोलन, जैसे यही है आप जो है फीस वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले आप यहाँ समझिए, बैठ के मुद्दा अगर बात करेंगे तब तो जो है उस पर निवारण होगा। आप जो है डायरेक्ट जो है बाहर प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल देंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था का तो यही काम है, धरना है उनको खत्म कर दीजिए, उनका तो एक ही मुद्दा है ना, एक ही मुद्दा है। लेकिन मेन जो जेन्युइन बात है आपका फीस वृद्धि, प्रशासन तो उसको बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, विश्वविद्यालय उसको घटाएगा बढ़ाएगा, उस पर विश्वविद्यालय से बात होगी और किसी से थोड़ी बात होगी। और ये न जाने कहाँ का प्रोटोकॉल है, थोड़ा उधर दिखाइए, तो इधर एक गेट है, VC साहब रहते हैं वहाँ पे, वाइस चांसलर, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं और 20 साल IIT गांधीनगर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। पता नहीं IIT गांधीनगर में भी ऐसा ही करते थे, मैं कोई यहाँ पे छंद नहीं, कोई डायलॉग नहीं बोलने आया हूँ, लेकिन घर के सामने बैठ करके अगर हम पेरेंट्स मानते हैं अध्यापक को, अगर वो हम उसके घर के सामने बैठे हैं, तो क्या हमसे पेरेंट्स हमारा मिल नहीं सकता एक बार? 24 दिन हो गया आप लोग को धरना बैठे, ये 24 दिन की बात नहीं है, ये मैं विश्वविद्यालय से शुरू से देख रहा हूँ जब से आया, और ये मुझे सुनने में कहीं से आया था कि इन्होंने ये बोला था कि विश्वविद्यालय में मैं रहूँगा, जो उनको करना है वो करें, मुझे जो है चुपचाप रहने दीजिए, डीन स्तर तक डीन देख लें, नीचे के स्तर तक लोग नीचे देखें, सेक्शन ऑफिसर तक अपना काम देख लें, वो किसी मुद्दे पर ना निकलेंगे। आप ये बताइए कि इतने दिन से है, वो चाहे तो यहाँ निकल के देख सकते हैं, एक बार तो देख ही सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप किसी भी, आज यही धरना नहीं हुआ, इससे पहले भी तमाम डिपार्टमेंट के धरना हुई, किसी भी जो है डिपार्टमेंट में ना वो कभी ताक झाक करते हैं, ना कभी किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, आप कुलपति हैं यहाँ के ना, VC के प्रोटोकॉल में ये होता ही नहीं है। एक दिन एक बार बताइए आप, एक दिन आप VC बनेंगे तो आपके भी प्रोटोकॉल में यही रहेगा? नहीं, क्या करेंगे आप, इनके जगह होते तो क्या करते? इनके जगह हम होते तो हम छात्रों की समस्याओं को सर्वप्रथम सुनते। अच्छा? उनकी मांगे क्या है, जायज है या नाजायज, इस पर हम विचार करते, कमेटी बनाते, अगर उनकी बातें जायज हैं तो उनकी बातों का समाधान करते, ना कि छात्रों को इस तरह सड़कों पर खुला छोड़ देते, शीत में भीगने छोड़ देते, वो बीमार पड़े, उनके पेरेंट्स इन पे भी गुस्सा होते होंगे, हम लोग, मेरे बड़े भाई लोग बैठे हैं, क्या इनके पेरेंट्स नाराज नहीं होते होंगे? इनके पेरेंट्स गरीब हैं, ये गरीबों के बच्चे हैं, हम लोग गरीबों के बच्चे हैं, हमारे पिताजी, हमारे खानदान के लोग सोने की थाली नहीं दे के दिए हैं, जिस तरह BC साहब अपना रवैया अपना है, ये सरासर गलत है। पढ़े लिखे लोगों से इतनी उम्मीद, मतलब ये सिर्फ BHU की बातें नहीं है, ये बातें बहुत दूर तक की हैं। अवध का नंबर वन यूनिवर्सिटी 264 कॉलेज उसके अंतर्गत हैं, अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद अयोध्या का, फैजाबाद अवध विश्वविद्यालय, हाँ, वहाँ का वाइस चांसलर भ्रष्टाचार करते हुए, घूस लेते हुए सर आम पकड़ा गया, उसे भगाया गया है, उनका मैं नाम सार्वजनिक तौर पे नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक सार्वजनिक पद पर बैठे
अध्यापक थे उनको मैं ऐसे नहीं कर सकता। इस तरह सिर्फ अवध यूनिवर्सिटी में नहीं है, ऐसे विभिन्न यूनिवर्सिटियों में ऐसे भ्रष्टाचारी बीसी भ्रष्टाचारी लोग घुस पड़े हैं। ये प्रशासन की नाकामी है जो इन भ्रष्टाचारियों को घुसेड़ के हमारे शासन प्रशासन को, हमारे विद्यालय को खोखला कर रहे हैं, हमारे शिक्षा तंत्र को खोखला कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली लगातार नीचे गिरती चली आ रही है। क्या भाई सीओएसएस जी, क्या नाम है? विनय कुमार। विनय, ये क्या लगता है इतने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठ रहे हैं आजकल और घूस ले रहे हैं, ना कोई इंट्रैक्शन है छात्रों से उनका ना कुछ, क्या लगता है इसमें सरकार का भी कुछ हाथ है क्या? सरकार का बिल्कुल हाथ है और घोषकल विश्वविद्यालय में नहीं चल रहा है, घोष हर एक जगह पर चल रहा है। एम्बुलेंस वाले यदि घर पर आते हैं पेशेंट को ले जाने के लिए तो एम्बुलेंस के लोग भी 100-200 रुपया लेते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। सबको टिप चाहिए जी, सबको टिप चाहिए और टिप के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था जर्जर हुई पड़ी है। क्या भाई साहब कहीं कुछ बताइए, क्या बताएं? क्या आप बहुत मतलब साइड बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसे एक जो कार्यक्रम है उसके बारे में सोच रहे हैं कैसे कार्यक्रम है। अच्छा, वहाँ पे मसाल रखा हुआ है, मसाल निकाला जा रहा है। अब एबीपी ने भी मसाल निकाला था, पता है आपको? जी निकाला। कितना चला वो? कुछ तो कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ा। जहाँ सारे संगठनों को चाहिए कि यहाँ पे बैठे क्योंकि छात्रों का मुद्दा है, मगर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब नहीं है, नेता बनना चाहते हैं, मगर नेता बनने की क्या जरूरत है? सारे छात्र हैं, सारे छात्र बैठे हुए हैं और सारे संगठनों को बैठना चाहिए, कोई संगठन साथ नहीं दे रहा, मगर आईएसयू का साथ। अच्छा, और यहाँ पे इधर आइए, इधर आएंगे तो इधर पता चलेगा। भाई साहब क्या नाम है? भैया मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, संस्कृत विभाग से हूँ। संस्कृत बीएचयू जी। यहाँ पे लोगों को कहना है कि लोग अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। यदि नेतागिरी चमका रहे हैं तो ये बताइए जो छात्रों की फीस बढ़ी है तो वो क्या नेतागिरी हम लोग कर रहे हैं? हम लोग तो अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। अच्छा, हम लोग अपने अधिकार के लिए बैठे हैं कि हमारी जो फीस बढ़ गई हमारी फीस कम हो जाए। आप फीस एक तरफ आप फीस बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई फीस देना है, सैलरी देनी है, तो आप ये बताइए साइबर लाइब्रेरी में भी आप जाके देख लीजिए, वहाँ 80% कंप्यूटर आपको खराब मिलेंगे। अच्छा भाई, साइबर लाइब्रेरी की कंप्यूटर की संख्या आप बढ़ाइए, जो कंप्यूटर खराब है उन कंप्यूटर को भी सही कीजिए, वहाँ बैठने वाले बच्चों के लिए और संख्या बढ़ाइए, सीटें बढ़ाइए, उसके तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। केवल और केवल जो यहाँ गरीब छात्र पढ़ रहे हैं उनको चूसने का काम हमारे माननीय बीसी जी के द्वारा किया जा रहा है। इतने बड़े बीएचयू में शिक्षा का ये हाल है, मतलब कंप्यूटर नहीं सही है, ब्रेल लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल, कंप्यूटर नहीं सही है, लाइब्रेरी नहीं ठीक ठाक है, लाइब्रेरी में तो बैठ, सेंट्रल लाइब्रेरी की बात आप बताइए, सेंट्रल लाइब्रेरी में तो बैठने की जगह नहीं है, बच्चे नीचे बैठते हैं। जहाँ तहाँ थोड़ा सा जगह मिल जाए तो लोग पान थूक देते हैं वहाँ। बिल्कुल, सफाई कोई आवश्यकता नहीं है, फीस बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप छात्रावासों में जाकर देख लीजिए, अभी इस समय तो ठंडी आ गई है, जब मच्छर का सीजन था, गर्मी थी, तो दवाई का कोई छिड़काव नहीं है, घास सारी बढ़ी रहती है लेकिन कोई दिखाई नहीं होती है। आप बिरला में चले जाइए, बिरला की दीवारें टूट रही है, जर्जर स्थिति में हो रही है, जब बी सी साहब से कहा जा रहा है तो बी सी साहब कह रहे हैं कि अरे ये तो होता रहता है। सीवाईएसएस से जुड़े हैं आप? बिल्कुल, सीवाईएसएस से जुड़े हैं। किस विचारधारा पे चल रही है सीवाईएसएस जी? मतलब किसके विचारधारा पे चल रही है? अभी तो यहाँ पर केवल छात्र के हित की बात चल रही है। एक मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, किसी न किसी विचारधारा पे वो चलती रहती है। भाई इसका है, ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सीवाईएसएस संगठन है, इसका है सहयोग सेवा समर्पण। समर्पण, बिल्कुल, छात्रों के प्रति सहयोग, उनके प्रति सेवा, उनके प्रति समर्पण। सही बोल रहे हैं ये? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या नाम है? तेजपाल। तेजपाल, तेज प्रताप नहीं है, नहीं तो फिर पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है ये नाम ना। कहाँ से हैं आप? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ये कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में वो जो चढ़ा दिए थे गाड़ी महिंद्रा थार, जानते इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं था। आप यहीं थे? चलिए, ये है मसाल जुलूस। मसाल जुलूस कुछ दिन पहले भी निकला था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और फिर निकला है, और कुछ बोलना है इधर आइए बताएं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं दूर दूर से कि इसको पॉलिटिकल एंगल भी बना दिया जा रहा है, इस फीस के मुद्दे को। बाहर से लोग आ रहे हैं जो नेता वेता लोग हैं। नेता को तो काम ही होता है किसी भी मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना। ये सीवाईएसएस के लिए, सीवाईएसएस का है, पर ये छात्र विंग है बस आम आदमी पार्टी का, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब नेता दबाव दे रहे हैं हमें, वो नहीं, हमें फीस वृद्धि हुई है ये सबको दिख रहा है। अच्छा, एक बात ये क्या नाम है? मेरा नाम भानु यादव है, बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ, इंग्लिश ऑनर्स। सीवाईएसएस एक पार्टी है, एबीवीपी भी एक है, और उपाध्यक्ष भी हैं, ये उपाध्यक्ष भी हैं, बहुत बढ़िया जब जवाब दीजिएगा। सभी पार्टीज हैं, सभी एसोसिएशन हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं कि नहीं, दुकान जैसे होता है दुकान चल सके या फिर पार्टी का नाम लोगों के बीच में बरकरार रहे, तो ये थाना पूर्ति करने तो यहाँ नहीं बैठे नहीं, हैं। नहीं, यहाँ पे कोई थाना पूर्ति नहीं है, ये कोई मतलब
जो आप अभी वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बाजार उजार नहीं है। यहाँ पे जिसको भी लगता है कि ये चीज़ गलत है, संगठन का ही काम होता है, उसके लिए हम लोग सदैव यदि गलत चीज़ है तो उसके लिए हम लोग तुरंत खड़े होते हैं, ये हम लोगों का मायने होता है। इसीलिए यदि फीस वृद्धि हम लोगों की बढ़ी हुई है तो हमें ये कम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, यही हम लोगों की संगठन का काम है। ये और संगठनों की बात करें तो हम इससे उससे क्या लेना देना, लेकिन हम लोगों की जो संगठन है ये हम लोग केवल बीएचयू में जितने भी गलतियाँ हो रही हैं, कमियाँ हो रही हैं, बस हम लोग उसको क्या करते हैं, हाँ सुधारने का कर रहे हैं। अभी हम लोग साइबर लाइब्रेरी में जितने भी वाटर कूलर थे उसको हम लोग दो दिनों में लगाया है, ये सिवाय सब टीम की मतलब हम ही लोग द्वारा किया गया उपलब्धि है। हाँ हाँ चलिए साथ दीजिए, अगर आपको लगता है ये रियल मुद्दा है और लोग काफी दिनों से 24 दिनों से यहाँ पे धरनारत है, शायद एक दिन भूख हड़ताल में भी उतर आए, तो साथ दीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत। हम सब्सक्राइब करवा के जाएंगे। क्या भाई साहब कौन लीड कर रहा है? अच्छा छात्र युवा संघर्ष समिति युवा न्यूज चैनल नहीं भैया। हाँ 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 न्यूज नहीं है, ये एजुकेशनल काम करते हैं द स्टूडेंट लाइफ। धन्यवाद आपका, पिछले सप्ताह ही दिनों समझे हम बहुत ऐसे तरीके से चलाइए ताकि लोड वही हमारे मांग पत्र है उसमें ज़्यादा आएंगे। मांग पत्र सभी प्रकार की बढ़ी हुई फीस वृद्धि वापस लिया जाए। बहुत बड़ा दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट 8 बजे तक जस्ट चिल माहौल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लैंप की व्यवस्था की जाए, सभी खराब बंद कंप्यूटर शीघ्र के शीघ्र चालू दुरुस्त किए जाएं। विश्वविद्यालय के अंदर मामले, अरे भाई साहब कहाँ गए? खाली जाने दीजिए, अब सभी लोगों से बातें रहेंगे, सब लोग मेरे नज़र में एक है भैया, कोई लीड नहीं कर रहा, सब लोग लीड कर रहे हैं। ठीक है, जितने लोग हैं इतने लोगों से हम काफ़ी करेंगे।